जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2023 को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराष्ट्र के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, के चंद्रशेखर राव, मानिक शाह, एकनाथ शिंदे या ममता बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के वर्तमान नए मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ के राज्यपाल की, तो रमेश बैस यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। बात करते हैं दोस्तों राजधानी की, मुंबई है। स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को दोस्तों, और यहाँ की लोकसभा के जो सीट की संख्या दोस्तों 48 है, राज्यसभा सीट की संख्या 19 है, विधानसभा सीट की संख्या 288 है, और विधान परिषद की बात करें तो 78 यहाँ की संख्या है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की वर्तमान राज्यपाल है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा सीट की संख्या है दोस्तों यहाँ पे 80, राज्यसभा सीट की संख्या 31, विधानसभा की सीट की संख्या है दोस्तों 403, और विधान परिषद की संख्या है 100। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो कि बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1912 को, बिहार की स्थापना हुई थी। लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 40, राज्यसभा सीट की संख्या 16, विधानसभा 243 है, और विधान परिषद की संख्या 75 है। अगला क्वेश्चन, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रमोद सावंत। देखिए यही है प्रमोद सावंत जो कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ के वर्तमान राज्यपाल की, तो पी एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं, और गोवा की स्थापना दोस्तों हुई थी 30 मई 1987 को, और यहाँ की राजधानी है पणजी। लोकसभा सीट की संख्या है दोस्तों 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा है 40। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों आचार्य देवव्रत, और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, और यहाँ की लोकसभा सीट की संख्या है दोस्तों 26, राज्यसभा की संख्या 11, और विधानसभा 182 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का क्या नाम है। योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या हेमंत सोरेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी ममता बनर्जी जो कि भारत की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं दोस्तों डॉक्टर सी वी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट की संख्या है दोस्तों 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 295 संख्या है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हेमंत सोरेन, बसवराज बोम्मई या पिनाराई विजयन। तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में राज्यपाल बने हैं दोस्तों शिव प्रसाद शुक्ल। ठीक है, और इसकी राजधानी है दोस्तों शिमला। स्थापना हुई थी दोस्तों 25 जनवरी 1971। लोकसभा सीटों की संख्या है 4, राज्यसभा सीट की संख्या है 3, और विधानसभा सीट की संख्या है 68। अगला क्वेश्चन देखिए, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें दोस्तों वर्तमान में है
गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। इसकी राजधानी है असम की दिसपुर और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। लोकसभा सीट की संख्या है 14, राज्यसभा सीट की संख्या है 7 और विधानसभा सीट की संख्या है 126। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अशोक गहलोत, ठीक है। अशोक गहलोत वर्तमान मुख्यमंत्री। वर्तमान राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो कलराज मिश्र वर्तमान राज्यपाल हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लोकसभा सीटों की संख्या है 25, राज्यसभा सीट की संख्या 10 और विधानसभा की संख्या 200 है। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बसवराज बोम्मई, पिनराई विजयन, शिवराज सिंह चौहान या एकनाथ शिंदे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिनराई विजयन, जो कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा की संख्या है 141। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एन बीरेन सिंह, ठीक है। एन बीरेन सिंह वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल है अनुसुईया उइके। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 21 जनवरी 1972 को। यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की संख्या 60 है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नेफ्यू रियो, जो कि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों एल गणेशन। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को। और यहाँ की जो लोकसभा सीट की संख्या है 1, राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और विधानसभा सीट की संख्या है 60। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय जो कि वर्तमान में राज्यपाल है। हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़ और यहाँ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। लोकसभा सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। अगला क्वेश्चन देखिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पीयू जोराम थांगा, ठीक है। और यहाँ के देखिए यही है पीयू जोराम थांगा और राज्यपाल है दोस्तों वर्तमान में डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू। इसकी राजधानी है मिजोरम की आइजोल और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 20 फरवरी 1987 को। लोकसभा सीट की संख्या है दोस्तों 1, राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और विधानसभा सीट की संख्या है 40। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री। वर्तमान में राज्यपाल है दोस्तों मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और यहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या है 29, राज्यसभा की संख्या है 11 और विधानसभा सीट की संख्या है 230। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नवीन पटनायक, जो कि वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान राज्यपाल हैं दोस्तों प्रोफेसर गणेशी लाल। और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या है 21, राज्यसभा सीट की संख्या है 10 और विधानसभा सीट की संख्या है 147। अगला क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरविंद केजरीवाल, जो कि वर्तमान में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या है 7, राज्यसभा की संख्या है सीटों की संख्या 3 और विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं दोस्तों लक्ष्मण आचार्य, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 16 मई 1975 को। और यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या है 1, राज्यसभा सीट की संख्या भी 1 है, और विधानसभा सीट की संख्या है 32। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भगवंत सिंह मान, जो कि वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। लोकसभा सीट की संख्या है 13, राज्यसभा सीट की संख्या है 7, और विधानसभा की संख्या है 117। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भूपेश बघेल, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 11, राज्यसभा सीट की संख्या है 5, विधानसभा सीट की संख्या है 90। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुष्कर सिंह धामी, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों जनरल गुरमीत सिंह। राजधानी है दोस्तों देहरादून, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या है 5, राज्यसभा सीट की संख्या है 3, और विधानसभा सीट की संख्या है 70। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉनराड संगमा, जो कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं फागू चौहान। मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलोंग, और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीट की संख्या है 1, और विधानसभा सीट की संख्या है 60। अगला देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? प्रमोद सावंत, हेमंत सोरेन, एकनाथ शिंदे, या नेफ्यू रियो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान राज्यपाल हैं सी पी राधाकृष्णन। इसकी राजधानी है रांची, और इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या है 14, राज्यसभा सीट की संख्या है 6, और विधानसभा सीट की संख्या है 82। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्य राजन। इसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक है हैदराबाद, और यहाँ की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। और लोकसभा सीटों की संख्या है 17, राज्यसभा सीट की संख्या है 7, और विधानसभा सीट की संख्या है 119, और विधान परिषद की संख्या है 34। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मानिक साहा, जो कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। इसकी राजधानी है अगरतला, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 21 जनवरी 1972 को। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीट की संख्या 1, और विधानसभा सीट की संख्या है 60। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम के स्टालिन, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान में राज्यपाल हैं आर एन रवि, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वो है चेन्नई, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 39, राज्यसभा सीटों की संख्या 18, और विधानसभा की सीटों की संख्या 235 है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वाई एस जगन मोहन रेड्डी, और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। और यहाँ की राजधानी है दोस्तों अमरावती, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर
1956 को। लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों, 25 लोकसभा सीट हैं, 11 राज्यसभा और 275 विधानसभा और 56 है विधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, पुंडुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी एन रंगा स्वामी, जो कि पुंडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इसकी राजधानी है पुडुचेरी। और बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 1, राज्यसभा सीट की संख्या 1, विधानसभा सीट की संख्या 30 है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बसवराज बोम्मई। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो थावरचंद गहलोत वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसकी राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी लोकसभा सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12, विधानसभा सीटों की संख्या 225 और विधान परिषद की संख्या है 75। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बनवारी लाल पुरोहित, जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? तो चंडीगढ़ राजधानी है ही और इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। इसकी लोकसभा सीटों की संख्या है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है, ईटानगर यहाँ की राजधानी है। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीट की संख्या 1 और विधानसभा की संख्या है 60। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रफुल्ल पटेल, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। हो जाएगा मनोज सिन्हा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो मनोज सिन्हा है। लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 5, राज्यसभा सीट की संख्या नहीं है, विधानसभा की सीटों की संख्या है 90। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एडमिरल डी के जोशी, जो कि वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं। और इसकी राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ठीक है। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है। अगला देखिए, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रफुल्ल पटेल, जो कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रफुल्ल पटेल ही यहाँ के लक्षद्वीप के भी वर्तमान में उपराज्यपाल है। और लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। स्थापना हुई थी 1956 को। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्यमंत्री सीएम और एंड गवर्नर की इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि सारे के सारे अपडेटेड थे दोस्तों 2023 में। जैसा कि आपको पता है कि 13 नए राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो सभी के सभी अपडेटेड थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।